प्रिय मित्रों नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार सने के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग इसी सने प्यार के साथ मेरे प्रोग्राम को देखते रहें। मेरा पूरा प्रयास है कि कुंडली के बारे में आपको अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कराऊं। खुद आप लोग इसी समय से अगर मेरे प्रोग्राम को देखते रहेंगे तो खुद कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। आज आप लोग के फरमाइश पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको शांतिपूर्वक सुनिए। शुक्र मंगल बुध ग्रह की युक्ति कुंडली के प्रत्येक भाव में आपके जीवन के साथ कि जीवन पर क्या प्रभाव देता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम। जिसके कुंडली में शुक्र मंगल बुध की युक्ति लग्न में, ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, स्वावलंबी होते हैं और स्वाभिमानी। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में शुक्र मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग बचपन से ही स्वावलंबी होते हैं, ऐसे लोग स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं, ऐसे लोग अपने परिश्रम के द्वारा अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे कुंडली वाले कभी इनका चरित्र हनन नहीं। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में शुक्र मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग बचपन से ही जिद्दी होते हैं, ऐसे लोग माता पिता भाई बंधुओं के सेवक होते हैं, उदार होते हैं, इनको किसी प्रकार की लालच नहीं होती है, इनको बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा होने की अभिलाषा होती है। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में शुक्र मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग सेक्सी विचार के होते हैं, ऐसे लोग नशा पानी के आदि होते हैं, ऐसे लोग अनजाने में गलत लोगों की दोस्ती करते हैं जिससे इनके इज्जत प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में शुक्र मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग संगीत की विद्या, ऐसे लोग न्यायाधीश की विद्या, ऐसे लोग प्रशासनिक विद्या की प्राप्ति करते हैं और अपने विद्या के द्वारा अपनी पहचान बनाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में शुक्र मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग अनचाहे में शत्रु पैदा होते हैं, ऐसे लोग बेकारण का उलझनों में रहते हैं, इससे दूर भी हटना चाहते हैं, एक विवाद के बाद दूसरा तीसरा आते रहता है। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में शुक्र मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, स्वतंत्र शादी करते हैं, ऐसे लोग जीवन में अच्छी उन्नति करते हैं, अच्छे धन की प्राप्ति करते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में शुक्र मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग थोड़े बहुत स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं, परंतु ऐसे लोग के पास गुप्त विद्या का ज्ञान भी होता है। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में शुक्र मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे व्यक्ति आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, परिश्रम का सही लाभ नहीं मिलता है, जल्द इनके भाग्य का उदय नहीं होता है। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में शुक्र मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में शुक्र मंगल बुध की युक्ति हो, क्या बात है दोस्त, ऐसे लोग कम परिश्रम में अच्छा धन कमाते हैं, ऐसे लोग उद्योग के द्वारा धन कमाते हैं, ऐसे लोग जमीन केमिकल मशीन धातु से भी धन कमाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में शुक्र मंगल बुध की युक्ति हो, ये उन्नति तो अच्छा करते हैं परंतु संतान के विचारों से मतभेद रहता है, इनके संतान योग्य नहीं होते हैं, ऐसे लोग के चौथेपन विवादों में व्यतीत होते हैं।
ये बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, आप इसको सुनिए। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में तथा डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फिर भी आपके सहयोग के लिए मैं बोल देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। अगर वीडियो संबंधी या कुंडली संबंधी कोई बात हो तो मेरे फ़ोन पर ही संपर्क करिए, मैं प्रयास करूँगा आपसे संपर्क करने का। इतना कहते वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।